मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 12 वीडियो चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे है और प्रश्नावली है आपका 6.4। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें एक त्रिभुज बना लेना है, समबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं कुछ, चलिए इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बी डी ई, समबाहु त्रिभुज बी डी ई, वो कहां स्थित किस प्रकार है कि डी जो है भुजा बी सी पर है, डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए मध्य बिंदु है यहाँ पे, यानी कि आपको त्रिभुज बनाना होगा बी डी ई। ई इधर आएगा, इसका मतलब ई इस भुजा पे होगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। चलिए क्लियर है, समझ गए। अब आगे थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। यहाँ आपके पास दिया है कि डी जो है ना, डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु है, तो यहां से आप कह सकते हैं क्या कि BC जो होगा ना, BC वो 2BD के बराबर होगा। BC जो होगा 2BD के बराबर होगा, समझ रहे ना। अच्छा, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये सब आपस में बराबर होंगे ना, ये तीनों तो आपस में बराबर होंगे। तो आप यहां से अगर BC बराबर, हम लोग यहाँ 2DE लिख देते, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा समान होता है, इसलिए ऐसा हम लोग कर दिए, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा। तो आपको पहले से ही पता है कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं, तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही हो गया यहां से। तो यहां से लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है बराबर होता है। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर। अच्छा, इसमें का हम त्रिभुज ABC का भुजा BC लेते हैं, तो उसके संगत भुजा कौन सी होगी? DE हो जाएगी ना, चलिए इसका वर्ग। अच्छा चलिए, तो यहाँ आपके क्वेश्चन में ऊपर हम लोग दिखाए हुए हैं, देखिए तो ऊपर सवाल में दिखाया है कि BC जो है ना 2DE के बराबर है, तो BC की जगह 2DE लिख सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, नीचे आपका डी है, तो डी से डी कट गया एक बार में, यानी दो का स्क्वायर चार और एक का स्क्वायर एक, अनुपात आ गया 4:1 आपका आंसर, यानी कि कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका 9 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख ही लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है, तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसके वर्ग के बराबर होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, डी नंबर हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल था। चलते हैं आगे प्रमेय पे। चलिए प्रमेय